हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, खासतौर से ऑटोमोटिव सेक्टर कार के बारे में, आप खुद देखो टेक्नोलॉजी फीचर्स कितने ज़्यादा अपग्रेड और एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अपग्रेड हो रही है, इसमें जो R&D का जो पैसा लगता है, कंपनी जो 9 बिलियन डॉलर्स जो है, करोड़ों रुपए लगाती है, वो कहाँ से आके उस चीज़ की उगाई कहाँ से होगी, या वो पैसा रिकवर कहाँ से किया जाएगा। अल्टीमेटली जो कस्टमर है भाई, आपकी जेब से, आपकी पॉकेट से वो लिया जाएगा। सीधी सी बात है, वो अपनी तरफ से तो नहीं लगाएगी, आपके लिए कर रही है सब चीज़ें। ठीक है, तो अब ये जो फीचर्स के नाम पे जो इतना एक्स्ट्रा पैसा जो लिया जाता है कंपनी की तरफ से, क्या वो इतने रुपए एक्स्ट्रा देना वर्थ है या नहीं है। अब देखो, जो फीचर्स होते हैं ना, वो सबकी रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है, मे भी शायद कुछ फीचर ऐसे हैं जो मेरे लिए भाई साहब बहुत ज्यादा लाभदायक है, जिसके मैं बहुत ज्यादा यूज कर सकता हूँ, और मे भी शायद कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिनका आप शायद कभी यूज करो बिना लाइफ के अंदर गाड़ी में, लेकिन वो होंगे और आपको बहुत लुभावने और अच्छे लगते हैं वो फीचर। तो ऐसे ही आज जो है ना, 5 फीचर की हम बात करेंगे कि ये 5 फीचर अगर शायद मे भी ना हो, या आप इनके लिए एक्स्ट्रा पैसा ना भी दो ना, तब भी आपका काम आराम से हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। शायद वो पैसे जोड़ के आप जो सेव करोगे, कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज बढ़िया सी आप जो है जेन्युइन एसेसरी भी लगवा सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। दोस्तों, नंबर 1 फीचर आप लोगों ने आजकल ट्रेंडिंग में देखा होगा, भाई लोग बहुत सारा पैसा देते हैं, वेटिंग में भी गाड़ी जो है रखते हैं, सनरूफ, वो जो कटी हुई छत, जो छत आती है, अगर देसी भाषा में बात की जाए, सनरूफ है ना, ये इम्प्लीमेंट किया था यूरोपियन कंट्रीज में बहुत टाइम पहले। वहाँ की जो वेदर है, बहुत आपको पता है शानदार मौसम होता है, तो वो जो शानदार मौसम है ना, उसका जो है लुप, मतलब उसको एंजॉय करने के लिए, बेसिकली पैसेंजर्स के लिए वो जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। आराम से छत खोलो और आप इंजॉय कर सकते हो। आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो सनरूफ वाला जो फीचर है, कितने लोग आप लोगों के पास है, कि मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आप लोगों के पास सनरूफ वाली गाड़ी अगर है तो आपने वो ली क्यों थी, आपका मेन उद्देश्य क्या था लेने का। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि जो सनरूफ है इंडिया में कितना ज्यादा उसका जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है मिसयूज होता है। आप खुद देखो, आए दिन बच्चे लटके रहते हैं, बच्चे छोड़ो बड़े तक लटके रहते हैं, और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, वो मौसम का इंजॉयमेंट लेने के लिए जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था फीचर, बट आप खुद देखो उसका जो है मिसयूज हो रहा है। सनरूफ का बहुत बड़े नुकसान होते हैं। अब कहीं रिपोर्ट में ऐसा पब्लिश भी होता है कि जो इसकी वजह से होता है ना, सनरूफ की वजह से, वो गाड़ी की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो आपकी सेफ्टी है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आती है। और दूसरा, कहीं आपने खुद देखो कि कहीं वीडियोस भी ऐसी पड़ी होती है, बीच में बहुत वायरल भी होती, भाई मैं नाम क्या लूं किसी का, कि वो लीक करने लग गया नई गाड़ी के अंदर, और कुछ टाइम बाद तो देखो जो ये पूरा का पूरा जो रबर है, गैसकेट वगैरह है पूरा, ये कहीं ना कहीं देखो एक टाइम पे वेयर और टियर तो होते ही है ना इनका, तो वो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा भी आपकी जेब पे पड़ेगा। आप मेरे को बताओ आपके लिए कितना भाई साहब ये जो है सनरूफ वाला जो फीचर है वो काम का फीचर है। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 2 है भाई ऑटोमेटिक जो है आपका हेडलैम्प। ठीक है, जो गाड़ी में जो हेडलाइट होता है वो ऑटोमेटिक जो है चल जाते हैं जैसे ही रात होती है। अब ये मेरी गाड़ी बलेनो है, इसके अंदर भी ऑटोमेटिक हेडलाइट का जो है फीचर है। देखो, ये आपका मैनुअल यहां से किया, अब यहां पे आपने ऑटो पे डाल दिया इसको। ठीक है, आप मेरे को बताओ अगर आपके पास ये ऑटो वाला जो फीचर है हेडलाइट वाला, कितने लोगों के पास ये फीचर है, और आप जेन्युइनली बताना कि आप इसका फीचर का कैसे आपने इसका यूज किया और कितना यूज किया अब तक। भाई 7 साल हो गए गाड़ी को, मैंने तो लिटरली इसका हार्डली 1 या 2 बार जो है यूज किया था, वो भी शौक शौक में कि ये फीचर है, इसको मैं यूज तो कर लूं। भाई ये फीचर ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि आप इसको मैनुअली कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो कंट्रोल। जरूरी नहीं है कि आप इस फीचर के नाम पे भाई साहब इतने जो है हजारों रुपए जो है एक्स्ट्रा आप कंपनी को दे दो। तो सोचने वाली बात है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फीचर भी नहीं है कि भाई कंप्यूटर जो इश्यू वगैरह है वो पूरा का पूरा डायग्नोस कर रहा है, वो देख रहा है कि भाई अब यूज करना है नहीं करना। सिंपल सा है, आपको लगा अंधेरा हुआ, हेडलाइट ऑन करो, ऑफ करो, मैनुअली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए देखो बकायदा जो है ना डैशबोर्ड पे यहाँ पे 2 जो है सेंसर लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में अगर इन सेंसर में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले सेंसर की जो है वो चपत लगेगी, और जितने ज्यादा फीचर एड ऑन होते हैं ना, आपका उतना खर्चा भी बढ़ता है भाई। क्योंकि इसी प्रकार से नंबर 3 जो फीचर है वो है आपका ऑटोमेटिक जो है आपका रेन वाइपर जो सेंसर जो होता है। ठीक है, अब जैसे नाम बता रहा है कि हल्की सी बूंदा बांदी हुई, बारिश हुई, ऑटोमेटिकली आपका जो ये वाइपर है ये ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पानी को सेंस करेंगे और आपका जो वाइपर है ये काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब आप मेरे को खुद सोच के बताओ ये कितना कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। बारिश हो रही है नहीं हो रही है आपको सोचना पड़ेगा, कंप्यूटर को डिसाइड करना पड़ेगा इसको वाइपर को ऑन करने के लिए। यहां से सिंपल ऑन करो और ऑफ करो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से ये आप जो है इसको मैनुअली भी यूज कर सकते हो। इसके नाम से
भाई साहब आजकल जो है गाड़ियां ये एक्स्ट्रा फीचर देने लग गई हैं और इसकी वजह से आपके जो है एक्स्ट्रा रुपये बनते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को खुद सोच के बताओ कि आपके लिए ये कितना लाभदायक जो है फीचर है या नहीं है, या सिर्फ जो है ये फीचर बढ़ाने की मतलब लिस्ट बढ़ाने के नाम पे जो ये फीचर जो है दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर चार जो फीचर है भाई साहब वो है आपका गेस्चर कंट्रोल। जैसे कि इंफोटेनमेंट जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा आप देखो आजकल टच बिल्कुल आ गया, ठीक है। ये जो आपका मैनुअल जो नॉब्स होती है ना ये तो लिटरली गायब हो गई है, बटन वगैरह बिल्कुल गायब हो गए, सब कुछ टच। गेस्चर कंट्रोल आपका जो है वो पूरा पूरा आ गया, ठीक है। आप खुद सोचो अगर आप गेस्चर कंट्रोल के थ्रू या बिल्कुल टच के थ्रू आप कर रहे हो, शुरू में तो बंदा उस चीज से बिल्कुल भी मतलब रूबरू नहीं होता कि कहां क्या करता है, देखना पड़ता है, ठीक है। इस फीचर के कारण आपको क्या है रोड पे से ध्यान हटाना पड़ेगा और यहां पे ध्यान आपका देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये ध्यान भटकाने वाला फीचर है, ना कि जो है ये कुछ एड ऑन कर रहा है, ठीक है। इससे बेटर है कि मैं जब चलाता हूं ना अगर मेरे को आवाज कम नहीं तुरंत मैकेनिकली जो ये नॉब है आपका ये घुमा कम कर दी या बढ़ा आपका जो है बढ़ा दी, ठीक है। आप मेरे को बताओ कि ये फीचर कितना काम का है। अगर आपके पास है और आपको आपका एडवांटेज लगता है इस फीचर का तो एक बार मेरे को आप जरूर बताना, ठीक है। नंबर 5 वॉइस कंट्रोल या कमांड कंट्रोल आप कह सकते हो। आजकल आप देखो कि जो इतनी गाड़ियां आ रही हैं भाई साहब, मैं नाम तो नहीं लूंगा कि भाई साहब ये फीचर कमांड के थ्रू सब कुछ ओपन क्लोज ये वो ऑन ऑफ सब कुछ हो रहा है, बट आप एक चीज सोच के देखो ये जो फीचर्स होते हैं आपको आलसी बना रही है या आप शो ऑफ के लिए फीचर ले रहे हो या आपका जो है कितना ज्यादा यूज है इन फीचर का कि ये बिना जो है वॉइस कंट्रोल के नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये जो फीचर के नाम पे जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो कितना काम का। अब वॉइस कंट्रोल या कमांड कंट्रोल में आप देखो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल जो है ये वर्थ है, क्योंकि मैंने कई गाड़ियां चलाई हैं, अब तो मैं नाम तो नहीं लूंगा उन गाड़ियों का, कि क्या होता ना कि कमांड आप जब देते हो ना या तो वो एक्सेंट का फर्क आता है या वो समझ नहीं पाते या सिस्टम हैंग हो जाता है या एरर आ जाता है या सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की जरूरत होती है, व्हाटएवर रीजन आई डोंट नो, बट वो अगर 10 में से 2 बार वो सुनेंगे और 8 बार जो है वो नहीं करेंगे। इससे बेटर तो जो गूगल आपका है वो आपकी जो है कमांड को जो है वो सुन लेता है, ठीक है। तो ये जो वॉइस कंट्रोल या कमांड कंट्रोल का जो फीचर है आप मेरे को बताओ आपको कितना लाभदायक लगता है। फिलहाल के टाइम पे इसको अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, मे बी शायद ये फीचर बाद में जो है उतना जो है लाभदायक हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 5 मैंने जो फीचर बताए हैं आप मेरे को बताना एक बार कि आपको क्या लगता है कि जो फीचर है ये वाकई में वर्थ है जो आप पैसे दे रहे हो, या आप पैसा सेव कर करके कुछ और बेटर जो है आप ऑप्शन सर्च कर सकते हो या कुछ एक्सेसरीज वगैरह जो है आप एड ऑन कर सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर, राइट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।